रियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, सच्चाई सामने आ चुकी है अबीर के। लेकिन अबीर को अभी तक ये नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है। हालांकि उसे अब ये तो पता चल गया कि उसका पिता अभिनव नहीं है। अब ऐसे में अबीर को अपने असली पिता की तलाश है, अपने असली पापा की तलाश है, और कुदरत का या यूं कहें ऊपर वाले का खेल देखिए। इसके लिए वो मदद भी किससे मांग रहा है, अपने असली पापा से, यानी कि अभिमन्यु से। जी हाँ, अभिमन्यु से ये कहता हुआ नजर आता है अबीर कि मुझे मेरे असली पापा को ढूंढने में मदद करो, मुझे मेरे असली पापा से मिलवा दो। दोस्तों, अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सच बताने वाला है अभिमन्यु अबीर को, जिसके बाद शो में सबसे बड़ा मोड़ आ जाएगा। क्या कुछ होने वाला है हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, सच्चाई सामने आ चुकी है अबीर के। उसको पता चल गया है कि अभिनव उसका पापा नहीं है, पर उसको सच्चाई जाननी है पूरी। उसको ये पता करना है कि अगर अभिनव नहीं तो कौन। ऐसे में अब यहाँ पर अभिमन्यु से वो वादा लेने वाला है और ये बोलने वाला है कि आपको मुझे बताना होगा, मेरी मदद करनी होगी, मुझसे ये वादा करना होगा कि आप किसी को मेरा सीक्रेट नहीं बताएंगे। अभिमन्यु वादा करता है और ऐसे में अबीर कहता है कि मुझे मेरे असली पापा को ढूंढना है, अभिनव पापा मेरे असली पापा नहीं है। हालांकि ये बात बाहर खड़ी अक्षरा सुन लेती है, लेकिन दोस्तों अब परेशान होकर अपने बच्चे का दर्द देखकर अभिमन्यु ये सह नहीं पाएगा और अभिमन्यु सच्चाई बता ही देगा अब अबीर को। जी हाँ, होगा कुछ ऐसा कि अभिमन्यु अपना फोन भूल जाएगा और यहाँ पर फोन लग जाएगा अब अबीर के हाथ में, और उस फोन में अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की तस्वीर होगी, जिसको देखकर अबीर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वो समझ जाएगा कि उसका असली पिता जो है, उसका असली पापा जो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका डॉकमैन है, और तभी डॉकमैन उसको इतना प्यार करता है। दोस्तों, क्या कहेंगे अब आप? क्या आपको लगता है कि अब इस वजह से अभिमन्यु और अक्षरा करीब आ जाएंगे? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।